सिटी करनाल से एक राहत भरी खबर सामने आ रही है। सीएम सिटी में कोरोना का ग्राफ दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है और रिकवरी रेट बढ़ रहा है। इससे भी अच्छी बात यह है कि कोरोना संक्रमित मरीज जो कि होम आइसोलेट हैं, उनके लिए करनाल के निजी चिकित्सक खुद फोन करके उनका हालचाल पूछ रहे हैं। यदि किसी मरीज को कोई भी समस्या है तो उसे फोन पर ही सलाह दी जा रही है। करनाल के करीब 250 निजी चिकित्सक के साथ प्रशासन के सहयोग से यह सब कुछ संभव हो पाया है। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमित मरीजों को अलग रखा जाता है, इतना ही नहीं उनके परिजन भी उनसे नहीं मिल पाते। कई दिनों तक अलग अलग रहते रहते मरीजों का मनोबल गिरने लगता है और कुछ मरीज अपने आप को अलग तरीके से देखने लगते हैं। मरीजों में ऐसी भावना पैदा हो इसके लिए करनाल के चिकित्सक प्रतिदिन 10 मरीजों को फोन करते हैं और उनका हालचाल जानते हैं। इतना ही नहीं, यदि मरीज अपनी कोई समस्या बताता है तो उसका निवारण भी किया जाता है। मरीजों से उसके शारीरिक हालचाल के साथ साथ उसकी मानसिक दशा को भी जांचा जाता है। इस जांच का उद्देश्य यह है कि कहीं मरीज अकेला रहते रहते हतो उत्साहित तो नहीं हो रहा। यदि मरीज अपनी कोई बीमारी बताता है तो उसे फोन पर ही दवा बता दी जाती है। इतना ही नहीं, मरीज व्हाट्सएप के माध्यम से भी सलाह ले सकता है। कोरोना के अलावा यदि मरीज को कोई और बीमारी है तो वह उसके बारे में भी फोन से सलाह ले सकता है। जब तक कोरोना रहेगा यह कार्यक्रम करनाल प्रशासन द्वारा करनाल IMA के सहयोग से चलता रहेगा। हो सकता है कोरोना के बाद भी यह कार्यक्रम मरीजों के हितों के लिए जारी रहेगा। दोस्तों, मैं हूं तरुण मदान और आप इस समय देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस। मैं आपको बता दूं कि आज मेरे साथ मौजूद हैं IMA करनाल यूनिट के प्रेसिडेंट डॉक्टर अरुण गोयल। मैं आपको इनका परिचय दूं। इनसे पहले मैं आपको एक और बता दूं कि करनाल में कोरोना जैसे महामारी के दौरान करनाल के जो भी निजी चिकित्सक हैं, जिनको कभी यह कहा जाता था कि ये अधिक पैसे ऐंठते हैं, लेकिन आज वही चिकित्सक कोरोना संक्रमित मरीज जो कि होम क्वारंटाइन है उनके लिए वरदान साबित हो रहे हैं, क्योंकि यह उन्हें टेलीफोनिकली परामर्श दे रहे हैं। टेलीफोनिकली परामर्श के लिए कोई निःशुल्क नहीं ले रहे। इसके बारे में विस्तार से जानकारी हासिल करने के लिए डॉक्टर अरुण गोयल से विशेष बातचीत करूंगा। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है समाचार एक्सप्रेस में। थैंक यू जी। डॉक्टर साहब, करनाल के निजी चिकित्सक जो भी हैं वो इस समय कोरोना महामारी के दौरान ऐसे मरीज जो कि कोरोना संक्रमित हैं और होम क्वारंटाइन हैं वो आपसे टेलीफोनिकली निःशुल्क परामर्श ले सकते हैं। सर, इसके बारे में प्रेरणा और इसको बनाने का उद्देश्य आपका क्या था? देखिए, सबसे पहले तो जो प्रेरणा है वो हमें DC साहब और CMO साहब से मिली है, और ये आइडिया सब लोगों ने आपस में डिस्कस करके ही फ्लोट किया कि जो होम क्वारंटाइन पेशेंट्स हैं उनको कहीं ये ना लगे कि हम अकेले पड़ गए, क्योंकि घर में भी उनको ये सलाह दी जाती है कि घर में भी बाकी मेंबर से दूर रहें, और बाकी दुनिया बाहर तो उनका निकलना अलाउड ही नहीं है और घर में भी अलग रहते हैं, तो उनको हमें ये लगा कि वो कहीं अपने आप को अलग थलग महसूस ना करें। तो एक आइडिया ये आया कि अगर हम उनसे फ़ोन पे कांटेक्ट में रहें, उससे एक तो उनको साइकोलॉजिकल हेल्प मिलेगी जो उनको रीश्योर करेगी कि उनकी बीमारी बहुत सीरियस नहीं है, दूसरा अगर उनको डे टू डे कोई प्रॉब्लम है तो हमारे से परामर्श ले सकते हैं, वो परामर्श हम उनको फ़ोन पे, अगर उनकी कोई प्रॉब्लम फ़ोन पे सॉल्व हो सकती है तो हम उनकी वो करते हैं। बाकी वो अपनी कोई ज़रूरत हो डेली जो उनको महसूस हो रहा है, कोई दवाई नहीं है, कोई खाने की दिक्कत है, कोई और उनको किसी तरह का भी कोई कंसर्न है, कोई प्रॉब्लम है, तो वो हमारे से डिस्कस कर सकते हैं। देखिए, ये डॉक्टर साहब ने हमें बताया कि कोरोना संक्रमित मरीजों को अलग रखा जाता है, होम क्वारंटाइन किया जाता है या होम आइसोलेट किया जाता है, जहाँ पर उनके परिजन भी उनसे नहीं मिल पाते, वो अपने आप को समाज से अलग थलग ना समझे और वो अकेलापन महसूस ना करे, जिससे कि उनके उनकी मानसिक स्थिति पर ऐसा कोई प्रभाव पड़े कि हाँ मुझे पता नहीं ऐसा क्या हो गया कि मुझे भयंकर बीमारी हो गई है। उनको मोटिवेट करने के लिए, उनसे बातचीत करने के लिए ये टेलीफोनिकली उनसे बात करते हैं, और इसके अलावा उन्हें कोई भी किसी भी तरह कोई तकलीफ है कुछ खाने की पीने की या इसके अलावा उन्हें कोई अन्य बीमारी महसूस हो रही है तो उन्हें टेलीफोनिकली परामर्श देते हैं। डॉक्टर साहब, अगर हम ये बात करें करनाल में कितने ऐसे डॉक्टर हैं जो ये सेवाएं दे रहे हैं? हमारे IMA के 250 मेंबर्स हैं जो इसमें सहयोग दे रहे हैं। हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, उन सब लोगों को 250 मेंबर्स को ऐड किया हुआ है, और उसमें कुछ हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के जो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटीज़ हैं, जैसे CMO साहब हैं, नोडल ऑफिसर हैं, एक एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं, ये सब लोग भी उसमें मेंबर हैं। एक लिस्ट हमें डेली CMO ऑफिस से आ जाती है, और 10 पेशेंट हर एक डॉक्टर को अलॉट किए जाते हैं,
और हर एक पेशेंट को 10 दिन लगातार फ़ोन किया जाता है, उसकी प्रॉब्लम पूछी जाती है। 10वें दिन के बाद उसको ये कहा जाता है कि आपको अब फ़ोन नहीं किया जाएगा, पर अगर आपने अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। उनको जो भी ज़रूरी फ़ोन नंबर हैं, जहाँ पे उनको कोई इमरजेंसी हो तो वो उन पे फ़ोन कर सकते हैं। 7 दिन और रहने के बाद 17वें दिन, वो 17 दिन पूरे होने के बाद अपनी नज़दीकी डिस्पेंसरी से वो अपना फिटनेस का सर्टिफिकेट ले सकते हैं। हमें बताया कि इनके 250 मेंबर्स का एक ग्रुप है, इसके अलावा जिला प्रशासन के कई अधिकारी और CMO साहब भी इनके साथ मौजूद हैं उस व्हाट्सएप ग्रुप में। डेली सिविल सर्जन ऑफिस इनके पास वो लिस्ट आ जाती है और प्रत्येक डॉक्टर 10 दिन तक लगातार 10 मरीजों को फ़ोन करता है, उसके उनके सेहत का हाल चाल जानता है, उनकी मानसिक स्थिति का जायज़ा लेता है। 10 दिन के बाद 7 दिन तक और उनसे बात की जाती है, उसके बाद 17वें दिन वो सारी की सारी उनसे अपना साथ लगती डिस्पेंसरी से अपने नज़दीक की डिस्पेंसरी में फिटनेस सर्टिफिकेट ले सकते हैं। डॉक्टर साहब, इसके अलावा जो मरीज हैं वो जब चाहें वो आपसे बात कर सकते हैं? अगर उनको कोई दिक्कत है तो वो कभी भी हमें फ़ोन कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। उनको कुछ नंबर्स दिए गए हैं, वो नंबर जिस नंबर से कॉल की जाती है उस पर भी कर सकते हैं। बाकी जिला प्रशासन जो CMO दफ्तर है उसमें एक अलग से होम आइसोलेट पेशेंट्स का एक नोडल ऑफिसर है, एक अलग से उन्होंने एक यूनिट बनाया हुआ है, उसके नंबर सब पेशेंट के साथ शेयर किए जाते हैं। अगर पेशेंट को कोई दिक्कत है तो वो वहाँ कॉल कर सकता है। उन्होंने फिर हमें यही बताया कि कोरोना संक्रमित मरीजों को किसी भी तरह से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोरोना संक्रमित मरीजों की जो सूची इनके पास आती है उनको ये फ़ोन करते हैं, और मरीज चाहे तो जिस नंबर से इनके पास फ़ोन आया उस नंबर पर भी फ़ोन कर सकता है। इसके अलावा उसमें उन्हें दूसरे अधिकारियों को जो कि उस क्षेत्र का नोडल ऑफिसर है उसका नंबर भी दिया जाता है ताकि वो कर सके। डॉक्टर साहब, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में इस समय कितने लोग मौजूद हैं? हमारे ग्रुप में 250 लोग पूरे हैं, जो ग्रुप में जितना व्हाट्सएप ग्रुप अलाउ करता है उतने पूरा हमारा ग्रुप फुल है, तो उसमें सब लोग हैं। और जो लोग कॉल कर रहे हैं, 3-4 लोग कम होंगे बाय चांस 250 से, तो बाकी लोग हमारे जिला प्रशासन के ऐड किए हैं, तो 250 की जितनी कैपेसिटी ग्रुप के हो सकती है उतनी पूरी है। सर, जैसे करनाल में लगातार कोरोना का ग्राफ कम हो रहा है, इसमें आप लोगों का जिला प्रशासन और पब्लिक का सहयोग बड़ा महत्वपूर्ण है, रिकवरी रेट बढ़ रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये बहुत एक अच्छी खबर है कि कोरोना का ग्राफ नीचे जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि हम एक पहली पीक पूरी कर चुके हैं और पीक से हम अब नीचे उतर रहे हैं। तो पर मैं ये समझता हूँ कि ये भी एक बहुत नाजुक दौर है इस बीमारी का। जहाँ भी हम इसका बीमारी का हिस्ट्री देखें पिछले 6 महीने की, जिस जिस कंट्री में एक बार पीक आई है तो 1-2 महीने बाद दूसरी पीक भी ज़रूर आती है। उसका कारण यह है कि जो फर्स्ट पीक में लोग अफेक्ट नहीं हुए, जिनको बीमारी नहीं हुई, वो थोड़ा सा ढीले हो जाते हैं, अपना जो भी प्रिकॉशन है, जो भी उन्होंने सावधानियां बरती हैं, वो सावधानियों में थोड़ी ढील कर लेते हैं। तो वो ढील करने से क्या है कि उनके ऊपर इन्फेक्शन का दूसरा आक्रमण हो सकता है और वो सेकेंड पीक में इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो मेरी सबको गुजारिश ये है कि हमें इस, हालांकि ये बहुत का बहुत सुकून है कि सबके सहयोग से, पब्लिक के सहयोग से, जिला प्रशासन के सहयोग से और सरकार की बहुत अच्छी कार्यशैली से ये मुमकिन हो पाया है कि काफ़ी हद तक करनाल में जो संक्रमण है वो काफ़ी उसको कंट्रोल कर लिया गया है। पर अभी भी अगर हम डीले हो जाएंगे, सावधानियाँ नहीं बरतेंगे, तो सेकेंड पीक आ सकती है, उसमें और लोगों की संक्रमित होने की आशंका भी है और उसमें नुकसान भी हो सकता है जान का। तो इसलिए मेरी सबको गुजारिश है कि जो भी सावधानियां पहले बरत रहे हैं वो ज़रूर बरतें, उनको जारी रखें, और जो लोगों सावधानियां नहीं बरते वो ज़रूर शुरू करें और मास्क हमेशा पहनें। इन्होंने यह बताया है कि हालांकि राहत की बात है कि करनाल में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन घटती जा रही है, लेकिन अभी भी लोगों को सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि इसका दूसरा दौर आ सकता है, दूसरे दौर में और ज़्यादा तेज़ी से यह इफेक्ट करता है। इसलिए लोग सावधानी बरतें, मास्क डालें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें और 2 गज की दूरी और कोरोना से दूरी इसको भी अपनाएं। डॉक्टर साहब, अगर एक बात पूछी जाए, जैसे मरीजों के फ़ोन आप लोगों के पास आते हैं तो वो अक्सर किस तरह के, आमतौर पर किस तरह के क्वेश्चन आपसे पुट करते हैं? जो भी हमारे लोगों से पेशेंट्स के फ़ोन तो कई बार हमारे पास कम ही आते हैं, ज़्यादा तो हम खुद ही फ़ोन करते हैं, पर सबके क्वेश्चन जनरली बड़े जनरल होते हैं। आमतौर पे कई लोग तो ये कहते हैं मेरा बुखार नहीं उतर रहा, तो हम उसको अश्योर कर देते हैं कि बुखार तो कुछ दिन आ सकता है, और उसमें बुखार की गोली जो किट उनको दी जाती है उसमें होती है, और उनको सजेस्ट भी किया जाता है कि सिंपल पैरासीटामोल की गोली वो ले सकते हैं।
कई लोग बीमारी की कंप्लेंट कर वीकनेस की कंप्लेंट करते हैं कि उनको कमज़ोरी हो रही है, तो कमज़ोरी तो इस बीमारी में हो सकती है। और कई लोगों का तो मेरे को सांस चढ़ रहा है, सांस चढ़ने के लिए हम उनको ये सुजेस्ट करते हैं कि जो 50 साल के ऊपर के लोग हैं उनको एक पल्स ऑक्सीमीटर सरकार की तरह से मुहैया कराया जाता है, उसमें वो अपनी उंगली पे लगा के ऑक्सीजन की मात्रा अपने शरीर में देख सकते हैं। अगर वो 94% से कम है तो उनको सलाह दी जाती है कि आप अपने डॉक्टर से बात करके कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में दिखाइए या अगर ज़रूरत हो तो वहाँ एडमिट हो जाइए। और इसके अलावा बहुत जनरल सी लोगों को बातें हैं, कई लोगों को ये पता नहीं है कि दोबारा टेस्ट होगा या नहीं होगा, मैंने कितने दिन अपनी फैमिली से दूर रहना है, मैंने कितने दिन क्वारंटाइन रहना है, मैं कितने दिन बाद अपनी नौकरी या अपने काम पे लौट सकता हूँ, तो इस तरह के जनरल सवाल होते हैं। और लोगों के जो भी कंसर्न है हमारी कोशिश होती है कि फ़ोन पर सुलझा लिए जाएँ, और अगर बहुत ज़रूरी हो तो उनको सलाह दी जाए कि अपने हॉस्पिटल जा के एडमिट हो जाएँ। सर आप लोग फ़ोन करते हैं, आप लोग मरीजों को फ़ोन करते हैं, आप मरीजों से पूछते हैं, तो आप मरीजों से किस तरह से मतलब कोई उनका आपका कोई टाइम पीरियड है फ़ोन करने का कि हाँ आपको एक से दो करना है या कोई ऐसा शेड्यूल चेंज किया हुआ? देखिए टाइम हमने कोई फिक्स नहीं रखा हुआ, हम कोशिश करते हैं डे टाइम में ही करते हैं, ताकि अगर कोई पेशेंट रेस्ट कर रहा है रात को फ़ोन नहीं करते उनको। ज़रूरी है कि हम वर्किंग आवर्स में फ़ोन करते हैं, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वर्किंग आवर्स में वो बेहतर ढंग से सुलझाई जा सकती है। ऐसा कोई फिक्स टाइम नहीं रखा हुआ कि कब फ़ोन करेंगे, हम दिन में किसी टाइम भी फ़ोन कर लेते हैं और उनकी सहूलत के हिसाब से उनसे बात कर लेते हैं। सर जो मरीज आपसे बात करते हैं वो इस बीमारी के अलावा अन्य बीमारियों के लिए भी आपसे सलाह ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं, अगर उनको कोई ऐसी बीमारी है जो जिसके बारे में कुछ उनकी आशंका है तो वो हमारे से पूछ सकते हैं। ऐसा हमें कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं रखा कि हमने कोरोना के अलावा और किसी सवाल का जवाब नहीं देना। जब हम किसी के पेशेंट का बीमारी का या शरीर का सेहत का हाल पूछते हैं तो हम ऐसा कोई लिमिट नहीं करते कि उन्होंने कोरोना से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछने हैं। अगर उनको कोई और भी आशंका है तो हम बिल्कुल उसको सुलझाने के लिए तत्पर हैं, अगर उनको कोई आशंका है तो ज़रूर हमारे से पूछ सकते हैं। सर IMA का ये प्रयास बड़ा ही सराहनीय है, ये प्रयास जो आप कर रहे हैं ये वाकई काबिले तारीफ है, जनता को इससे बड़ा लाभ मिल रहा है। सर ये कब तक चलेगा, मतलब निकट आने वाले दिनों में जारी रहेगा या कोरोना ख़त्म होने के बाद ये ख़त्म हो जाएगा, या आप लोगों ने इसको परमानेंटली अपना लिया है कि हाँ हम फ्यूचर में भी ऐसा ही चला के रखेंगे? देखिए जब तक कोरोना चलता है तब तक ये प्रोग्राम ज़रूर चलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। जब तक कोरोना बीमारी में होम आइसोलेटेड पेशेंट्स रहेंगे, हमें जिला प्रशासन से जैसे भी हम भी सहयोग करेंगे, जिला प्रशासन से जो भी हमें निर्देश मिलते रहेंगे हम उनके अनुसार उसको जारी रखेंगे। उसके कोरोना ख़त्म हो जाए, हम चाहते हैं कि अगर भगवान की मर्जी हुई तो कोरोना जल्दी ख़त्म होगा, हमने सावधानियां बरती तो कोरोना ज़रूर चला जाएगा। उसके बाद भी अगर किसी इसी फॉर्म में अगर हम इसको आगे बढ़ा सकें तो हमें कोई एतराज़ नहीं है कि अगर कोरोना के से हमें एक शुरुआत की है, उसके बाद अगर पब्लिक से हमें जुड़ने का और पब्लिक को कुछ लाभ पहुंचता है इस चीज़ से तो हमें जारी रखने में कोई आपत्ति नहीं। सर आपके प्रयासों से लोगों के दिमाग में भ्रम रहता था कि भ्रम रहा कि ये चीज़ों की पैसा ज़्यादा ऐंठते हैं या वहाँ पर जाना महंगा हो जाता है, पर्ची का खर्चा है, फिर दवाई का खर्चा है, ये जो टेलीफोनिकली कंसल्टेशन होने जा हो रही है इससे मरीजों के कई पैसे भी बच रहे हैं, तो सर मरीज इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए मरीज़ों का जो रिएक्शन है वो तो उन्हीं से बेहतर जाना जा सकता है कि वो हमारी इस प्रयास को किस नज़र से देखते हैं, क्या उनको वाकई इससे लाभ हो रहा है या नहीं हो रहा। हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि उनको लाभ मिले, और सबसे ज़रूरी जो हमारा प्रयास है कि कोई भी मरीज़ जो होम आइसोलेटेड है वो अपने को अलग थलग महसूस ना करे, और अगर उनके इसमें कोई खर्चा बचता है, उनको कोई रीश्योरेंस मिलती है, अगर उनको बीमारी को फाइट करने में इसमें हेल्प मिलती है तो हमें तो बहुत अच्छा लगेगा। और हमें मैं ये समझता हूँ कि पब्लिक के साथ समाज के साथ जुड़ने का हमारा एक बहुत अच्छा ये जरिया है, और हम इसको बहुत खुशी होगी अगर हम इसको किसी और फॉर्म में भी किसी और बीमारी से लड़ने में भी हमें हेल्प मिलेगी, तो हम इस प्रयास को जारी रखने में ज़रूर कोशिश करेंगे। सर जब कोई मरीज आपको फ़ोन करता है या आप किसी मरीज को फ़ोन करते हैं, आप उसको बताते हैं, वो अपनी कोई समस्या बताता है तो आप उनकी समस्या का निवारण करने का पूरा प्रयास करते हैं, उस समय आप कैसा अनुभव करते हैं? देखिए एक डॉक्टर के लिए सबसे खुशी का टाइम वो होता है जब मरीज़ ये महसूस करे कि ये डॉक्टर की कोशिश से मेरी बीमारी में या मेरी सेहत में कोई बेहतरी हुई है, तो डॉक्टर के लिए बहुत खुशी का पल होता है। तो एक
मैं ये समझता हूँ कि काफ़ी हद तक हमें डॉक्टर समाज का विश्वास जीतने में इस प्रयास से हेल्प मिलेगी। तभी जैसे मैंने पहले भी कहा कि इस तरह का प्रयास अगर हमें कोरोना ख़त्म होने के बाद भी जारी रखना पड़े तो हमें अच्छा लगेगा, ताकि हम पब्लिक के साथ जुड़े रहें और पब्लिक हमारी हम उनकी प्रॉब्लम्स को समझ सकें और टाइम टू टाइम उनकी प्रॉब्लम का निवारण कर सकें। ये थे हमारे साथ IIM करनाल यूनिट के प्रधान डॉक्टर अरुण गोयल, जिन्होंने हमें विस्तार से जानकारी दी। फिर मैं एक बार कहना चाहूँगा कि हम इनके प्रयासों को सैल्यूट करते हैं कि जिस तरह के ये प्रयास कर रहे हैं, जिस तरह से मरीजों के साथ जुड़े हुए हैं। इनका ये भी कहना है कि निकट भविष्य में तो इनका ये प्रोग्राम चलता ही रहेगा, आगे भी अगर जैसे भगवान की मर्जी होगी, परमात्मा की मर्जी होगी, तो ये करेंगे कि मरीजों के साथ कंसल्टेशन हो, हाँ कंसल्ट मरीजों के संपर्क में रहें। अगर मरीज किसी दूसरी बीमारी के बारे में इसे जानना चाहते हैं तो वो उसका उस समस्या को दूर करने का भी पूरा प्रयास करेंगे। साथ ही साथ इन्होंने हिदायतें भी जारी की हैं, गाइडलाइंस भी जारी की हैं। साथ ही साथ इन्होंने अभी हमें सब कुछ विस्तार से बताया किस तरह कोरोना संक्रमण संबंधित मरीजों को अपना ध्यान रखना चाहिए, उन्हें किस समय डॉक्टर की आवश्यकता है और किस बीमारी में वीकनेस तो उनमें रहेगी। अगर बुखार है तो आप ये वाली टैबलेट ले सकते हैं, इसके अलावा अगर आपका पल्स ऑक्सीमीटर आपको 94 से नीचे दिखा रहा है तो उस समय आपको भर्ती होने की आवश्यकता है। हम एक बार फिर से समाचार एक्सप्रेस की तरफ से IIM करनाल और जिला प्रशासन को दिल से सैल्यूट करते हैं कि वो आम नागरिक के साथ अब वो जुड़ गए हैं, जुड़ते जा रहे हैं और लोगों के दिमाग से यह भ्रम निकलता जा रहा है कि कभी निजी चिकित्सक उनसे पैसा ना ऐंठ लें, क्योंकि डॉक्टर्स अब खुद ही फ़ोन कर करके पूछ रहे हैं कि अब जबकि आप जानते हैं कि एक डॉक्टर का समय कितना कीमती होता है, लेकिन वो अपने कीमती समय में से कुछ समय निकालकर डेली 10 मरीजों को टेलीफोन करके, खुद अपने फ़ोन से फ़ोन करके उनसे उनका हालचाल जानते हैं, उनकी समस्याओं को दूर करने का प्रयास करते हैं, उनका उनकी हौसला अफजाई करते हैं। मैं तरुण मदान, सीनियर कैमरा पर्सन सन्नी चौधरी के साथ समाचार एक्सप्रेस के लिए, धन्यवाद। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.